हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फीडबैक सक्सेस के लिए कितना जरूरी है। फीडबैक इसका मतलब है कि लोगों से जानकारी लेना कि मैं कैसा कर रहा हूँ, उसके बारे में लोगों से जानकारी लेना, लोगों को पूछना कि मेरा अभी तक जो कृति मैंने किया, जो एक्शन लिया, उसके बारे में उनसे फीडबैक लेना, मतलब उनको पूछना। तो वो फीडबैक बहुत जरूरी है लोगों से, वो सक्सेस में बहुत काम में आता है। देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम जवाबदार हैं। मैं कोई कृति कर रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मेरे अतीत के विचार है, तो कौन से विचार करना, कौन सी कृति करना, किस तरह से बात करना, कौन से लोगों से मिलना, कौन से रिश्ते तैयार करना, ये सब मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता हूं। वैसे मेरे अंदर जो मैं डाल रहा हूं अधिकाधिक जानकारी, वो मैगजीन्स, किताबें, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंटरनेट, टीवीज, पिक्चर्स एंड मूवीज, मतलब काफी सारे जो ऐसी चीजें जहां से मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती है। तो भी कौन सी इंफॉर्मेशन डालना अच्छी बुरी, वो मेरा चॉइस है, वो मेरे हाथ में है। तो फिर जब इंफॉर्मेशन जाती है तो कृति करना मेरे हाथ में है, उसके बारे में विचार करना और प्रॉपर एक्शन लेना, सही योग्य एक्शन, सही तरीका अपनाना, वो मेरे हाथ में है। मगर उसके साथ साथ यदि मैं लोगों को फीडबैक पूछता हूं कि मैं कैसा कर रहा हूं, तो मुझे पता लगता है कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोगों को पूछते नहीं है कि मैं कैसा कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को पूछने को डर लगता है कि भाई वो मुझे कुछ बोलेगा तो मुझे करना पड़ेगा। मगर वो बोलता है तो अच्छा है, मैं सुधारूंगा, मुझे फीडबैक इससे मिलता है कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। अभी वो लेना नहीं लेना वो मेरे हाथ में, वो मेरी चुनौती है कि मैंने करना कि नहीं करना। मगर मैं लोगों को पूछ सकता हूं। मैं तो फीडबैक लेना लोगों से और वहां से ऑपरेट करके अपने में सुधार लाना, वो बहुत जरूरी है। अभी फीडबैक लोगों को मिला तो फिर हम सोच सकते हैं कि मैंने क्या करना चाहिए। ऐसा मुझे ऐसा समझ में आया कि मैं लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, ये मुझे फीडबैक मिला। मैं लोगों के ऊपर काम नहीं सौंपता हूं, ये मुझे फीडबैक मिला। या मेरी सेहत बराबर नहीं है, मैं सेहत के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। या मैं भाषण दे रहा हूं तो वो लोगों का फीडबैक उसमें आ रहा है कि आपका भाषण बराबर नहीं हो रहा है। तो ऐसी काफी सारी बातें होती है कि जिसमें मैं सुधार ला सकता हूं। और फिर किताब पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना, अच्छा यूट्यूब की वीडियोस देखना, अच्छी जानकारी इंटरनेट से लेना और मेरे में सुधार लाना, वो मैं करके मैं सक्सेस की ओर, सफलता की ओर जा सकता हूं। आफ्टरऑल मेरा वो चॉइस है आफ्टरऑल, कौन सा कि भाई फीडबैक लेने के बाद में मेरे में सुधार लाना कि नहीं लाना। मगर फीडबैक नहीं रहा तो फिर मैं अकेला ही चलते रहता हूं, मैं अपने दिमाग से चलते रहता हूं, उसमें मुझे सही गलत कुछ मालूम नहीं होता। इसलिए वो फीडबैक का होना जरूरी है और लोगों से पूछना जरूरी है। फीडबैक मुझे रिजल्ट से भी मिलता है, मतलब मेरा बच्चा यदि स्कूल में बराबर नहीं पढ़ाई कर रहा है और मुझे फीडबैक मिलता है रिजल्ट के माध्यम से, मेरा सेल कम हो रहा है तो वहां से मेरे को फीडबैक मिल रहा है कि आपका सेल कम हो रहा है। यदि मैं कोई समझाता हूं किसको और वो समझ नहीं रहा तो वहां से मुझे फीडबैक मिल सकता है कि नहीं, आपका बोलना, कम्युनिकेशन बराबर नहीं है। यदि मुझे बार 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 बीमारी हो रही है तो ये मेरे को फीडबैक मिलता है कि मेरी सेहत बराबर नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, या जो भी मैंने केयर लेना चाहिए वो केयर नहीं कर रहा हूं मेरे तबियत के बारे में। तो ऐसे फीडबैक हमको काफी सारे मिलते रहते हैं, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो इग्नोर ना करते हुए जो भी फीडबैक मिलता है फीडबैक लेना है और अपने में सुधार लाने का है फीडबैक से, ताकि आप सक्सेस की ओर जा सकते हैं। एक कोच जो है वो आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है। तो कोच को होना बहुत जरूरी है, कोच आपका गुरु या जो आप काम कर रहे हो उसमें दादा, वो आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है। और उसका फीडबैक यदि आपको मिलते रहे, उसका गाइडेंस मिलते रहा, तो सक्सेस आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। तो आज ये काम करना है आपने कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए आपके रिश्तेदारों से, आपके फैमिली मेंबर से, आपके टीचर्स से,
आपके दोस्तों से, आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनसे, आपके जीनियर से और आपके सीनियर से, जहां से भी फीडबैक मिलता है फीडबैक लो। लेना नहीं लेना फिर वो, मतलब एक बार लिया तो उसको अपनाना, उसमें सुधार लाना अपना काम है वो, फिर अपन देख सकते हैं। तो लोगों का सुनना है, करना अपने मन से है, मगर सुनना बहुत जरूरी है। तो वो यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सफलता की ओर जल्दी निकल जाएंगे। काफी सारे लोग होंगे कि जो सफलता में उनको अड़चने आती होंगी और सफल नहीं होते होंगे, और उनमें मतलब वो लोगों में यही कमी होंगी, वो फीडबैक नहीं देते होंगे। तो आप जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि हर इंसान जो सफल नहीं हो रहा है उसको यदि टिप मिलती है ये, तो जरूर वो फीडबैक लेगा, अपना कोच अपॉइंट करेगा धंधे में, अपने व्यवसाय में, जहां भी आप काम कर रहे हो, और वो सफल हो जाएगा। तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहां भी आप हो सोशल मीडिया में, ये वीडियो की लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।